हेलो दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आप सभी का टॉपिक स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये एक ऑनलाइन प्रैक्टिस टेस्ट है जिसमें 35 क्वेश्चन रखे गए हैं, तो 35 में से आप कितने सही कर पाएंगे वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा इस टेस्ट को लगाने के बाद में। और यहां पे आप इन 35 क्वेश्चन की PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल से, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फिर आप डायरेक्ट सर्च करिएगा टेलीग्राम पर जाकर टॉपिक स्टडी, तो जो सबसे ऊपर ग्रुप आएगा उसको ज्वाइन करके PDF डाउनलोड कर सकते हैं। आप टॉपिक स्टडी को इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं ताकि आपको हर एक अपडेट मिलता रहे। और अगर आप चाहते हैं पूरे दिन की वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, करंट अफेयर, रीजनिंग, मैथ, ऑनलाइन टेस्ट, तो नीचे रेड कलर के बटन को दबा करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, आपके पास नोटिफिकेशन भी पहुंचने स्टार्ट हो जाएंगे। और देखिए दोस्तों, इन सभी एग्जाम के लिए ऑनलाइन टेस्ट भी अवेलेबल है। 20 टेस्ट ₹120 में है यहाँ पे RPF कांस्टेबल के लिए, RPF SI के लिए 20 टेस्ट ₹199 में है, और ये बाकी ग्रुप डी वीडियो ALP CBT 2 के लिए भी 20 टेस्ट ₹120 में है। यहाँ पे ₹120 आफ्टर डिस्काउंट प्राइस लिखा है, यहाँ पे डिस्काउंट आपको लेना पड़ेगा ₹30 का, ये डिस्काउंट कोड है, ठीक है। तो आप इन टेस्ट को परचेज करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टेस्ट को, और मैं आशा करता हूं कि आपको टेस्ट जरूर पसंद आएगा और आप टेस्ट को जरूर लाइक और शेयर करेंगे। यहां पे शेयर तो जरूर करिएगा, क्योंकि जितना हो सके शेयर करेंगे तो मैक्सिमम बच्चों की हेल्प हो पाएगी जो टेस्ट को परचेज नहीं कर पाते हैं या फिर नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, मैं आपको क्वेश्चन दिखाता रहूँगा, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर पूछूंगा तो आपको उसमें 10 सेकंड मैक्सिमम रहेगी, 15 तो नहीं रहेगी, तो 10 सेकंड आपको मिलेगी, आप उसका पढ़िएगा, आंसर दीजिएगा, आराम से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टेस्ट को। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर बताइए, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तो ये सभी को पता होगा, सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2, तो यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है अगर आप ऑप्शन सी लगा रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, थोड़ा मैं जूम कर लेता हूँ ताकि दिखने में थोड़ा और आसानी रहे। क्वेश्चन नंबर 3, तो यहाँ पे 3 का राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, अच्छा क्वेश्चन है भाई, 4 का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, तो यहां पे राइट आंसर आपका हो जाएगा डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, और यहाँ पे 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि केवल 3 वाले, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, अच्छा क्वेश्चन है अभी, और राइट आंसर आपका हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 8, और 8 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 9, का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 10, यहां पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 11, 11वें का राइट आंसर क्या रहेगा भाई, देखिए कूट जो है आपके नीचे दिए गए हैं ऑप्शंस। तो यहाँ पे आपका देखिए पहले का तो हो जाएगा यहाँ पे 4,
बी का हो जाएगा 1, ठीक है, और यहाँ पे सी का रहेगा आपका 2 वाला, हाँ, और ये 3 हो जाएगा। तो देख लीजिए आप इनमें से कौन सा है, ए का 4, तो ए का 4 यहाँ पे ऑप्शन सी में है और ऑप्शन बी में है, तो ये हो सकते हैं दोनों। फिर बी का 1 भी ठीक है, बट यहाँ पे सी का 2 यहाँ पे है ऑप्शन बी में, तो बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 बताइए। ट्वेल्व का राइट आंसर अगर आप ऑप्शन लगा रहे हैं डी, तो राइट आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, तो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा सी। देखिए दोस्तों, 13 में कंफ्यूज मत होइएगा कि यहाँ पे कड़ा और कलाई, तो में तो कड़ा ही पहना जाता है, तो कड़ा जो होता है वो पैर में पहना जाता है, ठीक है ना, वो कलाई में नहीं पहना जाता है। हम बोलते हैं जो कड़ा पहनते हैं कि कड़ा मैं पहन रखा है, फिर कड़ा लेके आओ, ये कुछ भी ऐसी चीज़ बोलते हैं, बट ये पैर में पहना जाता है, ठीक है ना, तो कलाई का कड़ा से रिलेशन नहीं होगा, तो यही बेमेल हो जाएगा, तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14, देखिए 14 भी अच्छा क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन आजकल पूछे जा रहे हैं, और 14 का राइट आंसर यहाँ पे रहेगा ऑप्शन सी, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15, तो ये तो सभी को पता ही होगा आपको, राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, ये भी आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो पता होना चाहिए, और 16 का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन ये सारे आ चुके हैं आपके एग्जाम में, ठीक है, रेलवे के सभी पर्सन जो ये मैं बोल रहा हूँ, आरपीएफ के एग्जाम में और अलग अलग एग्जाम में आ चुके हैं। अगर आपको टेस्ट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। तो यहाँ पे 17 का राइट आंसर सी हो जाएगा, तो बिल्कुल सही है, मुंडक उपनिषद। 18, तो यहाँ पे 18 का राइट आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 19, नाइनटीन का राइट आंसर देखिए यहाँ पे रहेगा ऑप्शन बी, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 20, तो यहाँ पे 20 का देखिए राइट आंसर हो जाएगा ए। 21, राइट आंसर आपका हो जाएगा ए। 22, तो सभी को पता है 22 का राइट आंसर सी हो जाएगा। 23 पे आ जाते हैं, 23 का राइट आंसर बताइएगा, इसको भी थोड़ा जूम कर लेते हैं। 23 का राइट आंसर रहेगा आपका, बिल्कुल सही है, अगर आप ऑप्शन बी लगा रहे हैं। 24, का राइट आंसर आपका बिल्कुल सही है, अगर आप ऑप्शन, देखिए एक अच्छा क्वेश्चन है ये, कई बार आ चुका है, बी हो जाएगा। 25,
तो ये भी 25 भी राइट आंसर आपका सही हो जाएगा। ये आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जा रहे हैं आपके। 26 तो 26 का राइट आंसर सभी को पता है आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। 27 राइट आंसर सी हो जाएगा। 28 और 28 का यहाँ पे राइट आंसर क्या रहेगा, बिल्कुल सही है अगर आप ऑप्शन सी लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही है। क्वेश्चन देखिए 29 यहाँ पे मिस प्रिंट हो गया है, मिस हो गया है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 30 का बताइएगा राइट आंसर। तो 30 का देखिए अच्छा क्वेश्चन है और राइट आंसर हो जाएगा डी, गोदावरी। ठीक है, 31 तो सभी को पता है ये भी आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। 32 32 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। 33 राइट आंसर आपका हो जाएगा ए। 34 राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। 35 राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। तो देखिए क्वेश्चन आपके रह गए 34, तो 34 में से आपने कितने सही करे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अभी बताइएगा। और यहाँ पे आप इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं टॉपिक स्टडी के टेलीग्राम चैनल से, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आपने टेस्ट पूरा लगाया और आपको पसंद आया क्वेश्चन इस तरीके के और भी चाहते हैं, ठीक है, कुछ क्वेश्चन इसमें बहुत ही बेसिक थे तो ये सब कुछ पहले पूछे गए क्वेश्चन है, इसलिए मैं ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी होते हैं मैं वो ले लेता हूँ, चाहे वो आसान होए चाहे वो हार्ड होए। ठीक है, तो आपको अगर टेस्ट पसंद आया तो लाइक और शेयर करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट में, तब तक के लिए टेक केयर। वीडियो को देखने में बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।